हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं डेली बेसिस पे आप सबको करा रही हूँ। आप सब डेली बेसिस पे मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप बीपीएससी TRE 3 के लिए आपके पास टाइम नहीं है, 5 अप्रैल को परीक्षा है, 99% उसी डेट में होना है और उसी डेट में होगा। दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल पे किसी भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन के लिए थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है, एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का, तो थ्योरी सेशन वाले प्लेलिस्ट अलग अलग सभी चीज़ों के, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अलग है, खेल मनोविज्ञान का अलग है, किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स का अलग है, स्पोर्ट्स का अलग है, ओलंपिक का अलग है, सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है थ्योरी सेशन का। वहाँ पर जाकर के अध्ययन कीजिए। और मैंने BPSC TRE 3 में दोस्तों 80 वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है, सभी वीडियो देखिए। और डेली बेसिस में आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसको भी करते रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 50 क्वेश्चन हैं आज के सेशन में और सभी क्वेश्चंस आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा, बीच में स्कीप मत कीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, यानी YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हैरी क्रोबक के द्वारा किया गया, भारत में चेन्नई मद्रास में 1920 में हैरी क्रोबक के द्वारा किया गया। यह भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय भी है। एंड दोस्तों, विश्व में बात करें तो इंग्लैंड में लंदन में 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम के द्वारा YMCA की स्थापना किया गया था, और अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में, और भारत में 1920 में HC Buck के द्वारा। इसलिए भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहे जाते हैं HC Buck। नेक्स्ट है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय यानी YMCA के प्रथम प्रधानाध्यापक प्राचार्य कौन थे? तो HC Buck थे। नेक्स्ट है, ओलंपिक छल्ले क्या संकेत देते हैं? तो ओलंपिक झंडे में 5 छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक और लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये 5 छल्ले 5 रंग के 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 महाद्वीपों का संकेत देते हैं और ये दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, फिलिपिडीस नामक संदेशवाहक कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों, एथेंस और स्पार्टा दोनों में युद्ध हो रहा था। एथेंस जो है, जो फिलिपिडीस था, एथेंस का निवासी था। यही 42 किलोमीटर दूरी तय करके आकर के बताया था युद्ध के बारे में, वहीं से मैराथन दौड़ की शुरुआत हो गया था। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह पोलो खेल से जुड़ा हुआ है? इसमें अकबर जो है वो पोलो खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, एगॉग का संबंध कहाँ से था? तो दोस्तों, एगॉग का संबंध ग्रीस यानी यूनान में था। ग्रीस में स्पार्टा काल जो था, स्पार्टा में क्रमबद्ध जो शिक्षा प्रणाली होता था उसको एगॉग कहा जाता था, और शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को पैडोनोमस कहा जाता था, और स्पार्टा काल में खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। और स्पार्टा काल में दोस्तों, अस्वस्थ, अपंग, अदुर्बल बच्चों को टाइगर्स पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। नेक्स्ट है, जेवलिन थ्रो कौन सा रास्ता का पालन करती है? तो दोस्तों, जेवलिन थ्रो हम थ्रो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्रेजेक्टरी के बारे में बताया हुआ है।
ट्रेजेक्टरी क्या होता है कि किस किसी भी वस्तु को किस कोण पर फेंका जाए। ट्रेजेक्टरी क्या होती है कि फेंकी गई वस्तु के उड्डयन पथ को ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। तो दोस्तों यह पालन कर रही है ट्रेजेक्टरी पथ का, ट्रेजेक्टरी पथ का पालन कर रही है और किस पथ कौन सा आकार बना रही है, तो पैराबोलिक पथ का आकार बना रही है लेकिन पालन कर रही है ट्रेजेक्टरी पथ। ट्रेजेक्टरी जो है तीन प्रकार की होती है, वर्टिकल, ऑब्लिक्यू यानी पैराबोला एंड हॉरिजॉन्टल। किसी वस्तु को 90 अंश की डिग्री पर अगर फेंकेंगे और सीधे ऊपर या सीधे नीचे तो वहाँ पे कोई भी दूरी तय नहीं होगा, इसे वर्टिकल ट्रेजेक्टरी कहेंगे, प्रक्षेपण शून्य होगा। दूसरा होगा परवलयाकार, जिसे पैराबोलिक पथ कहते हैं या ऑब्लिक्यू ट्रेजेक्टरी कहा जाता है, 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है, परवलयाकार होता है और इसमें ज़्यादा दूरी तय करती है, इसलिए हम जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो 45 डिग्री कोण पर फेंकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे नहीं है देखना है, तो गिल्ली डंडा है, पोसंपा है, पच्चीसी है, बट चिड़िया बल्ला नहीं है। नेक्स्ट है, औषधि यानी दुष्ट जो पेशी की मात्रा और पेशी आकुंचन के लिए अतिरिक्त शक्ति बढ़ाती है वे हैं। दोस्तों पेशियों में असीम शक्ति सहनशीलता बढ़ा देती है तो वह है आपका एनाबोलिक स्टेरॉयड। क्या है? एनाबोलिक स्टेरॉयड, तो यहाँ पे यह है एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड। ठीक है, एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोलते हैं, यानी कि एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक का अर्थ होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्क्यूलिनिंग, और एनाबोलिक का अर्थ होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण। दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ये पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है और इसके सेवन से वसा की मात्रा कम हो जाती है और पेशियों की ताकत व सहनशीलता में असीम वृद्धि हो जाती है, जिसे वो सक्रिय कर देती है, एक्टिव रूप में कर देती है, और जो खिलाड़ी होता है मानसिक रूप से अपने को मजबूत समझने लगता है। और महिलाओं द्वारा इसका सेवन करने पर पौरुष तत्व के गुण जैसे कि आवाज़ भारी, दाढ़ी मूछ आदि आने लगता है, और इसके अंतर्गत नेड्रोलोन, स्टेनिलजोन, टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबेलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मिट्टिनोलोन एंड टेट्राहाइड्रोजेस्टिनोन, स्ट्राइनोन आदि आता है। नेक्स्ट है, अस्थियों की मृदुलता यानी सॉफ्टनेस को कहते हैं, तो दोस्तों अस्थियों की मृदुलता को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। अस्थियां जो है वो मृदुल हो जाती है, उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल बोला जाता है उसको रासायनिक रूप से, और विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन आदि नामों से जाना जाता है। विटामिन डी प्रमुख रूप से D2 और D3 में रूप में जाना जाता है। D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल, जिसकी कमी से टिटेनिया अस्थियों में एफन हो जाता है, और D3 को कोले कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जो सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। कोले कैल्सिफेरॉल बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज आदि हो जाता है। जो बच्चों में रिकेट्स होता है सूखा रोग सुखंडी भी कहते हैं, अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज, विटामिन D3 कोले कैल्सिफेरॉल की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया को मृदुलास्थि कहते हैं, यानी कि पसलियाँ, कुल्हे, जबड़े अधिक प्रभावित होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, अस्थियों में कैल्शियम प्रोटीन की कमी हो जाती है, पतली हो जाती है, द्रव्यमान में कम हो जाती है, बार बार टूटने वाला हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज का होता है कि सूर्य की सीधी किरणों से D3 जो कोले कैल्सिफेरॉल बनता है, जो इंसुलिन को क्रियाशील बनाता है तथा मधुमेह बीमारी से बचाता है, इसकी कमी हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ऑस्टियोब्लास्ट जो है अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है अस्थियों के विघटन का कार्य को ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट दोस्तों, क्रायोथेरेपी किसका प्राथमिक उपचार है? क्रायोथेरेपी जिसे ठंडी चिकित्सा या बर्फ की चिकित्सा कहा जाता है, तो क्रायोथेरेपी जो है यहाँ पे रक्त स्त्राव, वर्ण, मोच, संधि चूती यानी चोट, जो भी एथलेटिक प्रकार के चोट है, उपे सभी के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, खेल कूद की चोटों को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? दोस्तों तो यहाँ पे सभी के द्वारा किया जाता है, बट अंग मर्दन यानी कि मसाज के द्वारा सबसे ज्यादा किया जा सकता है। मसाज करेंगे तो आपके जो अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिससे चोट कम लगेगी। नेक्स्ट है, घुटने की उपास्थि में हुई क्षति समानतः किससे जोड़ी जाती है? तो यह घुटने की जो उपास्थि होती है उसमें जो चोट लगता है ज्यादातर फुटबॉल खिलाड़ी में लगता है। नेक्स्ट है, खेल कूद में हुई क्षतियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या उपयोगी है? तो दोस्तों जैसे कि जो पुनर्वास होता है, खेल कूद में चोट लग गया और पुनः पहले वाले स्थिति में लाने को हम पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें तीन विधियां होती है, करेक्टिव एक्सरसाइज, मनोवैज्ञानिक विधियां एंड फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विधि नहीं दिया है, फिजियोथेरेपी नहीं दिया है, यहाँ सुधारात्मक व्यायाम राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने स्वास्थ्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों उनका कहना है कि केवल रोगों से मुक्ति होना ही स्वास्थ्य नहीं है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। तो यहाँ संपूर्ण तंदुरुस्ती आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड का तिरछी वक्रता, ऑब्लिक्वी कर्व यानी लेटरल डिवीजन ऑफ स्पाइन, हिप एक तरफ, कुल्हा एक तरफ मुड़ जाता है, यश यशी की आकृति बनाता है, उसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, मुक्त वायु अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पदार्थ के मार्ग को क्या कहते हैं? दोस्तों मुक्त वायु में हम किसी वस्तु, गोला फेंक रहे हैं या जेवलिन को फेंक रहे हैं, तो उस पथ को हम पैराबोलिक पथ कहेंगे, पैराबोला, जैसे कि इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है, यहाँ पे हम फेंक रहे हैं तो ऐसे पथ बनेगा पैराबोलिक, यहाँ पे आके गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अवधि यानी कि पीरियड किसकी माप है? तो दोस्तों समय की माप है, अवधि किसकी माप है? समय की। नेक्स्ट दोस्तों, चाल यानी स्पीड किसके माध्यम से सूचित होता है? दोस्तों चाल की इकाई होती है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, एंड किलोमीटर पर आवर, दो होता है, अगर सेंटीमीटर के साथ देगा तो प्रति सेकेंड होगा, किलोमीटर के साथ होगा पर आवर होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड नहीं दिया है, यहाँ किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, घ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गति के प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है, आप सबको पता है न्यूटन ने तीन गति के नियम दिए थे, जड़ता का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। तो पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्सिया। नेक्स्ट दोस्तों, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स और भौतिकी यानी फिजिक्स की वह शाखा जो विश्लेषण यानी एनालिसिस करती है उन पिंडों का जो गति में है, गति विज्ञान या जैव यांत्रिकी विज्ञान इसको कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बल के कारण का वर्णन करने वाली यांत्रिकी की शाखा को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन BPSC TI 2 में पूछा हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन था कि वह क्षेत्र जहाँ बलों का अध्ययन फोकस में रहता है उसे क्या कहते हैं? तो काइनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ भी कह रहा है कि बल के कारण का वर्णन करने वाली यांत्रिकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो काइनेटिक्स यानी कि बल गति विज्ञान, और जिसमें गति का बात हो जाता है दोस्तों वो शुद्ध गति विज्ञान यानी काइनेमेटिक्स होगा, जिसमें बल केंद्र में हो, बल पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उसको बल गति विज्ञान यानी काइनेटिक्स कहा जाएगा, जिसमें गति पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, गति जो है संवेग पर, जो है एक्सीलरेशन पर, कि वस्तु का गति कितना स्लो, कितना स्पीड कर रहा है, तो वो चीज आपका काइनेमेटिक्स में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, काइनेमेटिक्स में होगा। और जो बल के कारण का वर्णन करता है, बल के कारण जो गति हो रही है, जो वस्तु में गति की स्थिति पैदा हो रही है, उसको काइनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे बल को ज्यादा महत्व दिया गया हो वहां काइनेटिक्स यानी कि बल गति विज्ञान होगा, और गति को महत्व दिया गया है तो काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गति विज्ञान होगा। था आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट दोस्तों, यांत्रिकी की वह शाखा जो उस बल की विवेचना करती है जो गति की स्थिति को पैदा करता है या बदलता है, क्या कहलाती है? तो बल दोस्तों, बल ही तो गति की स्थिति को पैदा करता है, तो यहाँ पे भी बल को फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे भी होगा बल गति विज्ञान यानी काइनेटिक्स। याद रखिएगा, जहाँ गति पे फोकस होगा वहाँ शुद्ध गति विज्ञान यानी काइनेमेटिक्स, जहाँ बल पे फोकस होगा वहाँ बल गति विज्ञान यानी कि काइनेटिक्स होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर अस्थि पंजर इंटर सिस्टम में क्या होती है? दोस्तों को जो कंकाल तंत्र होता है दो प्रकार का होता है, वाह कंकाल अंतः कंकाल। अंतः कंकाल के बारे में पूछ रहा है, वाह कंकाल में नाखून बाल ये सब आते हैं और अंतः कंकाल में अस्थियां उपास्थियां यानी कि बोन एंड कॉटिलेज आता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यही सब क्वेश्चन आएंगे, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं आपको डेली बेसिस से प्रैक्टिस करा रही हूँ सभी क्वेश्चन यही रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, प्राक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ वर्धन का अर्थ क्या है? दोस्तों जो विकास होता है एक केंद्र से बाहर की ओर जिसे प्राक्सिमो डिस्टल कहते हैं, एक सिर से नीचे की ओर जिसे सीफेलोकोडल कहते हैं। यहाँ पे प्राक्सिमो डिस्टल बोला है तो केंद्र से बाहर की ओर विकास होगा यानी कि सुषुम्ना से बाहर की ओर विकास। नेक्स्ट है शीर्ष पुच्छी यानी कि सीफेलोकोडल वर्धन का क्या अर्थ है? यह ऊपर से नीचे की तरफ होता है यानी कि इसका जो विकास होता है वर्धन होता है मस्तिष्क से नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, खेल का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत यानी पल्स एनर्जी थ्योरी दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने, एंड भविष्यदर्शी की धारा एंटीसिपेटरी थ्योरी दिया है कार्ल ग्रुस ने, मनोरंजन धारा दिया है लॉर्ड केन्स एंड जी डब्ल्यू पैट्रिक ने, पुनः अवलोकन पुनर्कथन पुनरावृत्ति धारा या रिकैपिचुलेटिव थ्योरी दिया है जी स्टैनली हॉल ने, एंड मनोविश्लेषण धारा साइको एनालिटिक थ्योरी को सिगमंड फ्रायड ने, रेजन विरेजन धारा कैथेटिक धारा मनोभावों का धारा अरस्तु ने दिया है, सामाजिक थ्योरी सोशल थ्योरी भी दिया है अरस्तु ने, खेल ही जीवन है धारा प्ले इज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने, एंड सहज प्रवृत्ति धारा इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी दिया है विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट है सीखने के नियम को किसने दिया है? सीखने के प्रमुख नियम अगौर नियम, प्रमुख नियम में तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट या सेटिस्फेक्शन दिया है थॉर्न डाइक ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले थॉर्न डाइक ने ही किया है। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी अचीवमेंट मोटिवेशन किसका समानार्थक है? तो दोस्तों अचीवमेंट मोटिवेशन उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है यह बायोफीडबैक सिद्धांत का समानार्थक है। नेक्स्ट दोस्तों, प्लाज्मा में फाइब्रोमोजन अलग करने पर बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो रक्त को दो भाग होते हैं, प्लाज्मा रक्त प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा सबसे ज़्यादा 55% भाग होता है, 45% भाग आपका होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आता है। तो प्लाज्मा में से आपका फाइब्रोनोजन बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोनोजन प्रोथ्रोम्बिन और होता है दोस्तों याद नहीं आ रहा है, तो जो दोनों प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन जो है जो एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रोनोजन प्रोथ्रोम्बिन ये सभी प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन होते हैं और फाइब्रोनोजन प्रोथ्रोम्बिन दोनों का निर्माण होता है यकृत में बट पाया जाता है प्लाज्मा में रक्त प्लाज्मा में। तो फाइब्रोनोजन क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, फाइब्रोनोजन भी करता है और प्रोथ्रोम्बिन भी करता है। लेकिन प्लाज्मा में से यदि फाइब्रोनोजन को अलग कर दिया जाए तो जो पदार्थ बचता है उसको सेरम कहा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभ में संवर्धित निष्पादन यानी परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड यानी कि इम्प्रूव हो रहा है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है बढ़ रहा है और उसके बाद क्रमिक ह्रास हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है यानी कि प्रारंभ में जो सीखने की गति है उसमें वृद्धि हो रही है और बाद में ह्रास हो रहा है। तो दोस्तों सीखने के वक्र तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक धनात्मक एंड मिश्रित। जो ऋणात्मक होता है आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में मंद होती है यानी कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से यहाँ पे वक्र बनेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स यानी कि इस प्रकार से वक्र बनेगा दोस्तों, इस प्रकार के देखिए
यहाँ पे प्रारंभ में सीखने की गति बढ़ रही है और उसके बाद क्रमिक ह्रास हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स यानी कि उन्तोदर ग्राफ बन रहा है। और वहीं पे जब प्रारंभ में सीखने की गति मंद होगी अब बाद में तीव्र होगी, जैसे कि अगर आपका वक्र ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है तो प्रारंभ में कम होगा बाद में बढ़ रहा है, तो वहां पे धनात्मक प्रगति सूचक होगा। और जहां पे आपका वक्र ऐसे बनेगा घटता बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कभी घटता कभी बढ़ता, तो वहां पे कॉम्बिनेशन कर्व यानी कि मिश्रित वक्र बनेगा। नेक्स्ट है, शिखर ग्राफ में आरंभिक अत्यधिक वृद्धि किस प्रगति का संकेत है और उसका तकनीक का क्या नाम है। तो आरंभिक अत्यधिक वृद्धि की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल स्पॉट, इनिशियल स्पॉट यानी आरंभिक झोंक इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, संगठनकर्ता या प्रवेक्षक की निम्न विशेषता है। तो दोस्तों उसके पास सबसे पहले नेतृत्व का गुण होना चाहिए, व्यवसायिक योग्यता भी होना चाहिए, तकनीकी गुण भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी गुण उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा की शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विधियां निम्न में से हैं। तो लेक्चर भी दिया जाता है थ्योरी उसको बताने के लिए, अनुकरण विधि, तकनीकी ज्ञान, उपरोक्त सभी यहाँ पे विधियां हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबको पता है दो प्रकार के, सामान्य पाठ योजना और विशिष्ट पाठ योजना। नेक्स्ट है, निम्न कमांड का एक प्रकार है। तो दोस्तों यह प्रतिक्रियात्मक कमांड, जैसे कि हम बंदूक आवाज करते हैं तो जस्ट जो धावक होता है दौड़ने लगता है, यानी कि रिएक्शन कमांड है प्रतिक्रियात्मक। और लयात्मक कमांड, जैसे कि कोई हम ध्वनि बजा रहे हैं और उस लय पर वो अपना प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रदर्शन कमांड, प्रदर्शन करके एक बार बता रहे हैं, जैसे कि पीटी कराना। तो ऊपर सभी आपका निम्न कमांड का एक प्रकार है। नेक्स्ट दोस्तों, एकल या युगल खेलों के टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए कौन सा टूर्नामेंट कराया जाता है दोस्तों। तो एकल युगल खेलों में जिसमें होता है उसमें चैलेंज टूर्नामेंट कराया जाता है, ठीक है, चैलेंज टूर्नामेंट उसमें कराया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो चैलेंज टूर्नामेंट होता है वह दो प्रकार का होता है, लैडर टाइप यानी सीढ़ी प्रकार और पिरामिड टाइप। और जिसमें पिरामिड टाइप दो प्रकार का होता है, फिर से पिरामिड टाइप, फिर किंग्स टूर्नामेंट एंड कॉब वेव टूर्नामेंट। कॉब वेव टूर्नामेंट को साइडर वेव विधि भी कहा जाता है। टूर्नामेंट चार प्रकार का होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसकी स्थापना जो है 1960 में किया गया, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजन का सिद्धांत निम्न है। तो लोकतांत्रिक विधि होना चाहिए, उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। तो ऊपर सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के लिए समय तालिका बनाते समय निम्न तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, प्राप्त उपकरण कितना है, मौसम कैसा है, प्राप्त मैदान और स्टाफ क्या है, ऊपर सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य मानवीय संबंधों की स्थापना है, ताकि विभिन्न प्रकार के मनुष्य आपस में मिलकर समुचित रूप से कार्य कर सके। तो ये परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है डॉक्टर श्रीनाथ मुखर्जी का। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति किसी विकासशील कार्य में कला के द्वारा तथा खेलों के द्वारा हिस्सा पा लेता है तो उनके कार्यों को मनोरंजन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है
ब्राउचर का। नेक्स्ट है दोस्तों बालकों के लिए निर्माण अथवा जीवन शक्ति की प्राप्ति है तथा प्रौढ़ों के लिए एक मनोरंजन है। मनोरंजन जीवन शक्ति का पुनः नवीनीकरण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन एच एफ का। नेक्स्ट है मनोरंजन अवकाश के समय की जाने वाली ऐसी मौलिक क्रिया है जो समाज द्वारा मान्य हो तथा जिसमें स्वेच्छा से भाग लेने वाले व्यक्ति को तत्काल आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। यह विचार किसका है? तो दोस्तों यह विचार है जॉन एल एच का। नेक्स्ट है मनोरंजन मन बहलाने का एक ऐसा अनुभव है जिसके द्वारा व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिक्षा की तरह मनोरंजन भी एक मौलिक आवश्यकता है जो दैनिक जीवन का अंग है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है बूचर का, ऑप्शन नंबर बी। किसका है? बूचर का। नेक्स्ट है मनोरंजन की क्रिया कोई वस्तु नहीं है बल्कि उसका भावना से संबंध है। यह एक वैयक्तिक सहनशीलता है जो कि मनोरंजन वैज्ञानिक प्रकृति द्वारा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है तथा जीवन जीने की एक कला है। यह कथन किसका है? यह कथन है साल्सन का। नेक्स्ट है दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय से ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है। यह कथन किसका है? यह कथन है सिलर्स का। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए दोस्तों, एंड इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।